हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की। और आज इस स्टॉक में 0.89% की तेज़ी देखने को मिली है और ये जो स्टॉक है 125.20 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी के नंबर्स भी आ चुके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स किस तरह के रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक की जो प्राइस होती है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ ही लिंक होती है। यदि किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो उसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे और उस कंपनी के शेयर में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आइए इसके डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पर सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले IOC के शेयर का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यदि इस स्टॉक की लास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे भी आपको 2.75% की तेजी जो है वो देखने को मिलेगी। लोअर सपोर्ट लेवल 120 का इसका निकल कर आ रहा है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे और बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 10.85% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अब क्लियरली इस स्टॉक में आपको वन डायरेक्शनल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे 18.67% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है आप देख सकते हो 140 के राउंड ही निकल कर आ रहा है, जहाँ से इस स्टॉक में करेक्शन शुरू हुई थी। और इसका जो सपोर्ट लेवल है आप देख सकते हो 110 के राउंड निकल कर आ रहा है। अब इस स्टॉक में आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल गया है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको 30.69% के रिटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड इसका बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है। इसमें आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन करेक्शन के बाद इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के कुछ और पैरामीटर चेक कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 1.18 लाख करोड़ का है, लार्ज कैप कंपनी ये निकल कर आ रही है, ऑयल सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है और इसकी जो PE रेशियो है आप देख सकते हो 4.50 की है। डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी का 7.59% का देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है बहुत ही बड़ा डिविडेंड पे आउट भी देती है। तो आइए इसके कुछ लेटेस्ट रिजल्ट्स जो आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसके जो Q3 के नंबर्स हैं वो आ चुके हैं। आप देख सकते हो द इंडियन ऑयल Q3 रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर एंड द नेट प्रॉफिट जंप्स 53% टू ₹8,016 करोड़। तो आप देख सकते हो इसके जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही हैं और इसके नेट प्रॉफिट में आपको बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल गया है। आइए इस रिपोर्ट को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि इसके नंबर्स किस तरह के रही हैं। इसका नेट प्रॉफिट का डाटा भी देख लेते हैं और इसका जो रेवेन्यू का डाटा है वो भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके नंबर्स किस तरह के रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी जो परफॉर्मेंस है इस कंपनी के नंबर्स पे ही डिपेंड करेगी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। तो आइए सबसे पहले इसके नेट प्रॉफिट का डाटा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो IOC के जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं फॉर द Q3 फाइनेंशियल ईयर 22, इसका जो नेट प्रॉफिट है 8,016 करोड़ का है एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट था ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस दैट वाज 4,102 करोड़ नियरली, और यहाँ पे आपको 52.62% का जंप देखने को मिल गया है। तो बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि इसका रेवेन्यू का डाटा देखें तो इट हैज़ बिन रिपोर्टेड एज ₹1,99,375 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था दैट इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन दैट वॉज 1,47,676 करोड़ और यहाँ पे भी आपको 35% का जंप जो है वो देखने को मिल गया है। तो इसके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको बहुत ही शानदार रैली जो है वो शो कर रहा है। तो डिविडेंड देखें तो इस कंपनी ने ₹4 पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब वो उनको डिविडेंड भी मिल जाएगा। और यदि इसकी रिकॉर्ड डेट देखें, द बोर्ड हैज़ फिक्स्ड February 10 एज द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर्स टू रिसीव द डिविडेंड। तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत ही बड़ा जो है आपको फायदा मिलने जा रहा है।
यदि ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए ऑफ द कंपनी दैट इज एट 5.96% अगेंस्ट द 7.32% इन द क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 7.99% इन द क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जरूर आपको रिड्यूस होते दिखे हैं। प्रॉफिट मार्जिन 4.55% है और आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिडक्शन देखने को मिल रही है और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिडक्शन शो कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन जरूर इस कंपनी की बढ़ गई है और इसका जो रेवेन्यू का डाटा है बहुत ही शानदार रहा है, इसके रेवेन्यू में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल गई है। आइए अब हम इसके जो नंबर्स हैं थोड़ा और डिटेल में चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह की ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार है। आपने देखा है कि इसके रेवेन्यू में भी बहुत ही बढ़िया जंप है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वहाँ पर भी बहुत ही शानदार जो है जंप देखने को मिला है। आइए इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो या इसके लिए हम आपको ले जाएंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे, दैट इज BSEIndia.com पे। वहाँ पे इसका फाइनेंशियल स्कोर भी स्टडी करेंगे, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमारे पास जून से लेकर सितंबर 21 का डाटा ही अवेलेबल है। तो जून से लेकर सितंबर 21 में इसके रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिल रहा है, 1,55,000 से बढ़कर इसका जो सितंबर 21 में 1,69,000 करोड़ हो गया था। नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा था, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही थी। ईपीएस में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, कैश ईपीएस भी इसका ग्रो हो रहा था, ओपीएम परसेंटेज भी आपको रिड्यूस होते दिख रही है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जरूर आपको स्लाइट रिड्यूस होते दिख रहे हैं। तो सितंबर 20 के नंबर्स भी ओवरऑल पॉजिटिव रहे हैं। आइए अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग में किस तरह की जो चेंज है वो देखने को मिली है इन द लेटेस्ट क्वार्टर एंडिंग ऑन द दिसंबर 21। तो शेयर होल्डिंग का पैटर्न हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री किस तरह की है, फाइनेंशियल ग्रोथ किस तरह की निकल कर आ रही है। सबसे पहले यदि इसका शेयर होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हो जो डिफरेंट इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। जो प्रमोटर्स हैं उनके पास आप देख सकते हो 51.5% का स्टेक है, FIIs के पास भी बहुत ही अच्छा स्टेक है 7.94% का, DIIs के पास 12.62% का स्टेक है और पब्लिक के पास भी आप देख सकते हो 27.94% का स्टेक है। बहुत ही मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में देखने को मिला है। तो यदि इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग एनालिसिस करें तो जो प्रमोटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका कोई भी स्टेक इस कंपनी में चेंज नहीं हो रहा है फ्रॉम द लास्ट वन ईयर। लेकिन यदि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का डाटा देखें, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनकी होल्डिंग इस कंपनी में रिड्यूस हो रही है इन द दिसंबर 21 क्वार्टर एंड जो FIIs है उनकी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको मिक्स ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो यदि इस कंपनी की हम कंपैरिजन करें, वैल्यूएशन चेक करें तो TTM PE रेशो 4.59 की है, प्राइस टू बुक रेशो भी 1.04 की है, ROE परसेंटेज 19.34 की है। तो इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही डिसेंट वैल्यू शो कर रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.97 का देखने को मिला है, एक से कम है। इन ओवरऑल आप कह सकते हो इसके जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं दैट इज फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द दिसंबर 20 नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव है। रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसलिए आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है आपको अच्छी ग्रोथ शो करती दिख सकती है, आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है, 7% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है। अब भी इस स्टॉक ने ₹4 पर शेयर का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, इसके इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड यील्ड जो है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स हो गई है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है। तो उस रिकॉर्ड डेट के अकॉर्डिंगली आपको जो है डिविडेंड यील्ड मिल सकता है, डिविडेंड इस कंपनी में मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ये जो स्टॉक है बहुत ही वॉलेटाइल इन नेचर है, तो ऐसा नहीं है कि ये लीनियरली मूव करता है, इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो कभी भी इस स्टॉक में आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप सिप के थ्रू ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी पोजीशन बनानी है तो सिप के थ्रू ही बनाएं और जब भी कोई डिप मिलता है तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में क्लियरली अब ये जो स्टॉक है आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, तो डिविडेंड भी इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा।